Oh my God. आज की सवारी है जी ये खूबसूरत 125 जो कि बहुत कम चलती है, इसीलिए अभी तक इतनी सी चली है। लेट्स गो। तो पज फिर तेज है भाई, धुप्पी को दुश्मनी मेरे नाल भाई। 12 सेकंड्स लेटर। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है? बाट साहब आ गए ना जी आपका। आती और जाती धूप में मौजूद हैं, वर्कशॉप पे पीछे मौजूद है हमारी बीएम प्यारी। अस्सलाम वालेकुम यू बॉयज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो एंड अनदर डे। आज के दिन के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन आज का हमारा जो पार्टनर है ये 125, यही है हमारी मीना प्यारी, जो कि इंशाल्लाह थोड़े दिन में फाइनलाइज हो जाएगा कि क्या होना है और क्या नहीं, पेंट होनी है, रैप होनी है, या जो भी होना है। गाड़ी ओके ओके घर आ जाएगी, फिर हम इस पे घुमा फिरा करेंगे। फिलहाल धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, हमें ज़रूरत है एक अदद पानी की बोतल की। चौका साहब सुबह सुबह लब रहे हैं कि किसकी आज किया जाए। आज बरसा आपको। हाँ जी सही कह रहे हो आप, मुझे डीएम के पैसे दें, आपको काम शुरू करें, बोनट क्लियर करके बोनट लगाएं गाड़ी, आज गाड़ी चली जाएगी इधर। गाड़ी क्यों? इस दरवाजे को साइड को करना है। तो फिर वो जंग पड़ जाएगा, वो भी करें। खैर जी, आज के दिन के बारे में देखते हैं कि आगे जिंदगी में क्या है करने को। फिलहाल जरा गाड़ी की तरफ चलें। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ये साइड जो डेंटिंग हुई थी, इसको पुटीने की जरूरत है, इसको पुटीन शुटीन लगनी है, लाजमी है, वरना ये पकड़ेगा जी जंग। अगर हमने गाड़ी रैप करनी है तो इस पर हमें वो सब काम करवाने पड़ेंगे, ताकि ये लोया हमारा महफूज रहे, जो टोटल जेन्युइन की तरह ये बाजरा है ना, ये ऐसे ही रहे। अंदर आ जाएं तो जी, शिफ्टर वाला मसला हमारा हल नहीं हुआ, शिफ्टर हमें करवाना पड़ेगा चेंज, और चेंज शिफ्टर। अब देखते हैं कि अब कौन सा शिफ्टर लगेगा, और लगेगा भी या नहीं, क्योंकि इसके एक दो मसले आ रहे हैं वायरिंग में भी, और वो भी। तो अगर तो ज़्यादा मसला हुआ तो फिर सारी वायरिंग निकालनी पड़ेगी, वो फिर लंबा ही मिशन हो जाएगा। तो इसीलिए फिलहाल ट्राई करते हैं कि हमें कोई ना कोई ऐसा शिफ्टर मिल जाए जो इसके साथ चल जाए। इधर हमारी गाड़ी की बैक वाले जो दरवाजे हैं ना, इनका पैकअप होना शुरू हो चुका हुआ है, ये पैक हो जाएंगे, वो भी पैक हो जाएगा, गता शता लग जाएगा। ये अनफॉर्चुनेटली हमारा प्लास्टिक वाला शीशा टूट गया, अब कैसे टूटा ये नहीं पता, लेकिन टूट गया। पीछे से गाड़ी कर देते हैं पैक, आगे वाले दोनों भी पैक नहीं हो सकते। इसकी वजह ये है कि हमारे जो लेफ्ट दरवाज़ा है उसकी मोटर तो लग गई है ठीक होके, मतलब क्या वो चलेगा, लेकिन उसका शीशा हमने निकाला हुआ है, क्योंकि हमने राइट वाला शीशा लेना है अपनी गाड़ी का, जो कि नहीं है, तो इसीलिए उसको ले लेके हमें लूर लूर फिरना पड़ेगा, ताकि हमें वो वाला शीशा मिल सके। तो आगे से गाड़ी भी खुली रहेगी, मे बी एट द एंड ऑफ द डे कुछ रिजल्ट्स बेहतर डिफरेंट हों। आज के मसला कश्मीर के बारे में बात करें तो वो कुछ इस तरह का है कि BMW जो होती है, इन तमाम गाड़ियों में होती है कि दो टंकियाँ। दो टंकियाँ होने की वजह ये है क्योंकि इसमें एक टंकी बड़ी नहीं आ सकती, बीच में इसकी शाफ्ट आती है, क्योंकि ये गाड़ियाँ रेयर व्हील होती हैं, तो इनकी डिफरेंशियल की शार्प चल रही होती है। एक टंकी होती है लेफ्ट साइड पे, एक टंकी होती है राइट साइड पे। अब ये दोनों टंकियाँ कुल मिला के जो हमारी इस गाड़ी की हैं, ये तकरीबन 100 लीटर की टंकी हैं। तो 100 लीटर आजकल के वक्तों में, समझ रहे हैं आप, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। हमारी जो पुरानी BMW थी, रेड वाली, ब्लैक वाली भी कह सकते हैं, इसमें भी सिमिलर इशू था, यही वाला टैंकी वाला, और ये भी कम पेट्रोल पे गाड़ी कभी मिसिंग करती थी, कभी कुछ मोड़ छोड़ हो तो एक साइड पेट्रोल चला जाता है और फिर भी गाड़ी आपकी मिसिंग करती है, फक्के जिसे हम कहते हैं ना, फक्के मारती है, मतलब कि पेट्रोल मिस करना शुरू कर देती है। अब इसका हल कुछ इस तरह का है, मैं आपको बताता हूँ, टैंकी आ जाए फिर बताता हूँ। और शिफ्टर इज बैक, इसमें इस एक अदद ग्रिप की कमी थी, ये हमें मिल गया, और एक अदद इस ग्रिप की कमी थी, ये भी हमें मिल गया, अब हमारी वायरिंग सुकून से हो सकती है। उसके अलावा ये जो छोटी सी खिलौने जैसी चीज़ आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये है जी हमारी गाड़ी के इंजन का O2 सेंसर। अब O2 सेंसर क्या होता है? तो O2 सेंसर इज़ बेसिकली ऑक्सीजन सेंसर। आपकी गाड़ी का जो AFR होता है, एयर फ्यूल रेशियो, जो आपकी फ्यूलिंग सिस्टम है, उसको सेट करता है ये ऑक्सीजन सेंसर। V8 में
चार ऑटो आते हैं जिनमें से दो फ्रंट पे होते हैं और दो बैक पे, लेकिन मेनली दो फ्रंट वाले ही काम करते हैं आपका जो फ्यूल एवरेज से रिलेटेड है। फिलहाल हमारी गाड़ी की एवरेज खराब थी क्योंकि इसका एक ऑटो मिसिंग था। ये बेसिकली एक ऑटोमेटिकली AFR सेट करने की मशीन है इस टाइम, जो कि हमारा ये काम करेगी। इसको फिट करते हैं और मुमताज भाई एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो शिफ्टर आ गया है, ये पड़ा, प्लीज फिट। 2 hours later. रोटी खुल गई जे शवीक अहमद, रोटी खास आ। उसने पॉजिटिव पे लगाई थी आई थिंक। बाबा जी इसको पहले उस तरह तारे लगाओ सारी भाई जैसे अभी हम लगाई थी। ये फ्री हो गई, ये पॉजिटिव है आई थिंक। यार इसमें से कोई मेरे हिसाब से पॉजिटिव है। आप कह रहे हैं ये एक उसने सारे दिन की खुआरी और गंदा मंदा होने के बाद एक अदद गुड न्यूज मिली है, वो ये है कि हमारे नए रिम पहुंच चुके हैं डेवो एक्सप्रेस ठोकर पे। तो चलते हैं फटाफट जाके रिम लेते हैं, बाकी रिमों के बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। लेकिन एक नेकी जो हो गई है वो यही है कि थके हारे दिन के बाद एक खुशी सी मिल गई है, सुकून सा इत्मीनान सा मिल गया कि नए रिम आ गए हैं। चलते हैं फटाफट डेवो। जिन भाइयों के पास गलती से कोई BMW CMW है उनको पता होगा कि इसकी जो PCD है उस PCD के रिम हमें नहीं मिलते और पाकिस्तान में तो बहुत ही रेयर है, और जिसके पास हो उनका अपना रेट है। तो जो कोई 17-18-19 inch का रिम डालना चाहते हैं उनको पहले खजल खुआर होना पड़ता है, रिम ढूंढना पड़ता है, फिर पैसों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर जाके उनको रिम मिलते हैं। तो कुछ इसी तरह की कहानी थी हमारी भी, लेकिन ये कहानी हमारी थोड़ी सी आसान हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। हमें रिम अच्छे खूबसूरत और हमारी पसंद के रिम मिल भी गए और हमारे रिमा भी गए हैं और हम वो लेने भी जा रहे हैं। अब सीन इस तरह का होता है कि BMW के रिम्स जो जनरल PCD है इनकी होती है 120 PCD। अब 120 PCD के रिम आते नहीं हैं, लोग क्या करते हैं कि लोग 114 PCD वाले रिम को 120 में कन्वर्ट करा के गाड़ी को लगाते हैं, या फिर अपनी हब्बें जो 120 PCD वाली होती हैं उनको 114 में कन्वर्ट करवाते हैं कि उसको आप 114 का रिम लगा सको। दोनों चीज़ें ठीक नहीं हैं। इस सब के अलावा ये सब जो चीज़ें हो रही हैं हमारी गाड़ी पे ये भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हमारी गाड़ी एक ड्रिफ्ट कार है, एक परफॉर्मेंस कार है, तो उसमें ये चीज़ें नहीं चल सकती। इस वजह से हमने BMW की जर्मन PCD का रिम ही लेना था और वो रिम हमें फाइनली मिल चुका है। रेहान किते? रेहान बाइक पूरी डेवो पे आई हुई है, जर्मन कावासाकी डेवो पे आया है। इधर चेक करें क्या बात है। ओए आगे आगे वही वाला पुराना सूल है, यूज्ड रिम है लेकिन हमारे लिए नहीं है, तो इसीलिए नहीं है। चेक दैट, गुड बॉय, नीड सम पेंट बट आई स्टिल लव देम। कुछ लोग इस तरह किसी और के गंदे पे सर रखते हैं, देखिए मैंने रिमो के रखा हुआ है। वी आर नॉट द सेम ब्रो। गजब टू बी आ जाते। द नेक्स्ट डे, व्हाट अ खूबसूरत डे, हैं? हल्की हल्की बारिश, धीमी धीमी गीली गीली सीढ़ियां, जिन पे से अगर मैं जोर से उतरा तो मैं इधर से शुभम नीचे जाऊंगा। भाई की हिम्मत है, भाई शूटर जा रहे हैं, पानी छोटे छोटे कतरे पड़ रहे हैं ना मुंह पे, दर्द होती है। आपका भाई हुआ है जी फुल अनस्टॉपेबल, चाहे बारिश हो या चाहे सख्त धूप, आप तो जाएंगे और गाड़ियां काम करवाएंगे। सुबह सुबह सबसे पहली साइड जो हमारी है वो है हमारे नए रिम्स। इनकी सूरत हाल इससे कुछ बेहतर ही थी, लेकिन अभी इनकी मंजाइयां शंजाइयां हो गई हैं, लेकिन अब हमें मंजाई करने की जरूरत है जरा डीप डाउन इनसाइड, ताकि पेंट की फिनिशिंग उतनी ही अच्छी आए। तो ये जरा आपका भाई खुद भी जरा शौक से ये काम करता है, इसलिए जरा बैठ के इनकी डिटेल मंजाइयां करते हैं। उसके बाद बारिश तो है ही है, लेकिन ये हो जाएंगे पेंट, शेड के नीचे रख के ना पेंट हो जाएंगे, सूख भी जाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। जो हमारे शिफ्टर भाई हैं इन्होंने हमारी ज़िंदगी में से मसले करना ख़त्म अभी नहीं किए, तो इसीलिए अब मुमताज़ भाई जो है हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई
वो जुड़ चुके हैं गाड़ी को एक बार फिर, और अब फिर कोशिश हमारी कि हम शिफ्टर लगा के इस गाड़ी का ट्रिप टॉनिक ऑन कर लें। अब मसला ये आ रहा है कि ट्रिप टॉनिक वाला जो पहले शिफ्टर लगा हुआ था उसकी वायरिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, जो हवा लग रहा है उसकी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो वायरिंग को छेड़े बगैर गाड़ी को क्लियर से अनक्लियर किए बगैर हमने नया वाला शिफ्टर लगाना है। लेट सी एंड लेट होप कि ये लग जाए। मेरे अगर सही ना पेंट होए, मैं कैमरे पे प्रूफ ले रहा हूँ। मेरी गाल सुनो, मैं जेनवन, मैंने दिखाओ तो सही, मैंने देखा थोड़ा सा पहले, किधर है किधर है, इधर तो बहुत कुछ है। वेयर इज मोबाइल की लाइट जलाएं, ठीक हो गया गैलेक्सी पर लाएं बलून, ये लैकर में लैकर लगाएंगे फिर ऊपर नजर आएगी। गुड, शर्ट भी बदल लो के क्या सीन है यार, तुझे ले आके दोगे तो फिर मैं किधर ले आके दूंगा, बदल लो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ, YouTube ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸ਼ਰਟਾਂ ਵੀ ਭੇਜੋ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂ ਬੋਲੋ ਸ਼ਰਟਾਂ ਕਰ ਲੋ ਜਰਾ ਫਟਾਫਟ, ਸ਼ੌਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ।